अभी ये प्लास्टिक जो है जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, एक प्रदूषण तो है साथ साथ यू नो जहर बन के, टॉक्सिक बन के ये हमें अलग अलग डिजीजेज, अगर आप अगर पढ़ें इसके बारे में बहुत सारे चीज़ें आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं जब ये गाना बनाने गया तो मुझे इसकी थोड़ी सी जानकारी भी लेनी ज़रूरी थी। साथ साथ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। प्लास्टिक एक सस्ता किफ़ायती सल्यूशन है काफ़ी चीज़ों के लिए, लेकिन ये जो हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। यूएन एनवायरनमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा बनाया है इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। हम सब जानते हैं कि पोल्यूशन प्लास्टिक से हुआ कितना प्रदूषण हम सब झेल रहे हैं, हमारे चाहे वो हवा की बात करें या मिट्टी की बात करें या समुंदर के पानी की या तालाब के या नदी के या हमारे जो शहर के ड्रेनेज होते हैं, गटर होते हैं या सड़क के किनारे होते हैं, हर जगह आजकल हमको सिर्फ प्लास्टिक 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 नज़र आता है। तो कोशिश ये है कि इस साल हम एक संगठन बना सके जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन बनाएं, जिससे एक तो लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि प्लास्टिक का प्रदूषण हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक है और कितना वातावरण के लिए हानिकारक है। वेल, आई एम होपिंग कि जो इनिशिएटिव लिया है एंड गवर्नमेंट ने भी जो रूल्स बनाए हैं, जो बैन्स हो रहे हैं, आई थिंक धीरे धीरे एक पब्लिक को बस आदत है, तो वो जब सामने नहीं होगा तो वो आदत धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और चीज़ें आ जाएंगी जो बेटर है हमारे लिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए। I really appreciate the fact his initiative this time in having to beat plastic, because the environment is always getting affected by a lot of waste of plastic around. And since I have known him for a very long time and he's been associated with some great causes, I think I was wanting to be a part of this one cause and in any way support him and make the public aware that how to be to not use as much as plastic products as possible, because they're not biodegradable and they cause a lot of harm to the the ecosystem and all that. So yes, so he's doing a great cause, making people aware, and I'm just a part to support him on that.